हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू टाटा पंच ईवी का टॉप इन वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस एस लॉन्ग रेंज, और इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही शानदार डिजाइन डायनेमिक्स के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, एक एक चीज आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही शानदार डिजाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और सबसे पहले जो नजर जाती है ना, वो जाती है यहाँ पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट एंड सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट अब पूरी तरह कर दिया गया है यहाँ पे, जो कि इसको काफी फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है। और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। जस्ट इसके नीचे हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें आपको यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। जस्ट इसके नीचे ट्विन फॉग लाइट दिया गया है, बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है आपको एयर वेंट, जो कि इसे एरोडायनामिक शेप बनाने के लिए काफी मदद करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। जस्ट इसके नीचे चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं, जिसमें फास्ट चार्जिंग पोर्ट और आपको यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट दोनों ही मिलते हैं, जो कि आपको बाद में बताने वाला हूँ। फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, यानी कि इसमें 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल कराए गए हैं। और पार्किंग सेंसर यहां पे कहीं नजर नहीं आ रहा दोस्तों। तो यहां पे आपको जो एडम है वो यहां पे कुछ इस तरह दिया गया है, और कुछ इस तरह पैटर्न दिए गए हैं, वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं ब्लैक कलर में, और नंबर प्लेट की जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वहीं हम स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी हद तक लुक वाइज एनहांस कर रहे हैं। और ये रहा दोस्तों इसका साइड प्रोफाइल। हालांकि डिजाइन में काफी कुछ चेंजेस यहां पे साइड प्रोफाइल में नहीं है, लेकिन काफी कुछ एलिमेंट्स यहां पे चेंज किया गया है। और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग एज इट इज आपको मिलता है पेट्रोल वेरियंट की तरह ही, लेकिन यहाँ पे जो 16 इंच का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील है वो चेंज है यहाँ पे। और बहुत ही जबरदस्त डिजाइन दिया गया है, और इसके जो व्हील साइज है 195/60R16 है, क्लियरली आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा आपको यहां पे फेंडर पे मिलते हैं डॉट ईवी की बैजिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा इसमें भी एक और डिफरेंस है पेट्रोल वेरिएंट से। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, टॉप इन वेरिएंट में आपको मिलते हैं चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक। एक बार चेकआउट कीजिएगा, यहां पे डिस्क ब्रेक और यहाँ पे डिस्क ब्रेक, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। और वहीं ओआरवीएम की बात करें तो ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है। और जस्ट इसके नीचे साइड कैमरा प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर तो आपको मिलते ही है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है, बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है यहाँ पे, जो कि आपको पेट्रोल वेरिएंट के टॉप इन वेरिएंट में भी मिलता है। वहीं ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। और रियर साइड दिया गया है फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, जो कि इसको काफी मस्कुलर लुक दे देता है। और इस गाड़ी की जो डायमेंशन है साइड प्रोफाइल में चेकआउट कीजिएगा स्क्रीन पे, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अवेलेबल है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, सबसे ऊपर आपको साक्फिन एंटीना दिया गया है और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, डिफॉगर एंड रियर वाइपर तो आपको मिलते ही है। लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पे एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप यूनिट आपको नहीं मिलता है, जैसे कि हमने सोचा था। यहां पे पेट्रोल वेरियंट की तरह ही आपको ट्राई एरोसेफ डिजाइन में एलईडी टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार डिजाइन में। अगर ये कनेक्टेड होता तो और भी बढ़िया होता। तो टेल गेट के बीचों बीच आपको दिया गया है यहाँ पे टाटा का लोगो,
जिसका जो डिजाइन है इलेक्ट्रिक रूप में बहुत ही शानदार है, पेट्रोल वेरिएंट से डिफर करता है, और साथ ही जस्ट इसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है और टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार, नाइट के समय में काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ, और टाटा पंच डॉट ईवी की बैजिंग दिया गया है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और रियर बम्पर जो है ड्यूल टोन में दिया गया है, ब्लैक एंड सैटिन सिल्वर फिनिश के रूप में, और यहाँ पे दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया है जिसके एडजेसेंट बहुत ही शानदार डिजाइन दिया गया है ट्राई रिसेप डिजाइन में, और नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ में स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में प्रोवाइड किया गया है। काफी अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन करते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा पंच का जो ऑल डोर्स है ना 90 डिग्री ओपन हो जाता है, जिससे आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले दिखाना चाहूंगा यहाँ पे पेडल लैम्प दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे दिया गया है आपको पावर विंडो के कंट्रोल और ओआरवीएम के कंट्रोल। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, यानी ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। ग्रैब हैंडल के ऊपर आप देख पा रहे हो व्हाइट फिनिशिंग दिया गया है, ट्राई अग्रेसिव डिजाइन दिया गया है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे देख पा रहे हो पूरी तरह प्लास्टिक पार्ट है, कोई फैब्रिक पार्ट यहाँ पे नहीं है। सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया डोर लॉक पे, ट्विटर एंड स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है, 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा। डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार प्रीमियम आपने देख ही लिया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे मिलता है उस स्टार्ट स्टॉप बटन, और कोई भी बटन आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे डेट पेडल दिया गया है, जो कि लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इंटीरियर में आपको दिया गया है, लेदर कम फैब्रिक अपहोस्ट्री, यहाँ पे फैब्रिक है और ये लेदर पार्ट है, और परफोरेटेड है यानी वेंटिलेटेड सीट्स दिए गए हैं आपको, और जिसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो मैनुअली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्सॉन की तरह ही यहाँ पे सीट पे इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि काफी प्रीमियम लगते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और एक बात यहाँ पे आपको 6 एयरबैग दिया गया है स्टैंडर्ड, जी हाँ दोस्तों, और इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में। उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा सेंटर कंसोल में जो आर्मरेस्ट है वो बहुत ही शानदार है, जो कि टाटा पंच में अभी तक नहीं दिया है, वो यहाँ पे दिया गया था, लेकिन अब आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट दिया गया है स्टोरेजेस के साथ। काफी प्रीमियम फील होता है, अंदर से देखने पे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हो, आपको बड़ी गाड़ी की फीलिंग आएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है, और सारा सेटअप यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेजेस, ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन, और यहाँ पे ट्रांसमिशन नोब दिया गया है ज्वेल्ड क्राउन ज्वेल्ड स्टाइल में, और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड सिटी मोड प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट, सी पोर्ट, और यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार आपको टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि ड्यूल जोन में मिलते हैं। यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का बटन, बूट ओपनर का बटन, बहुत सारे यहाँ पे बटन दिए गए, लॉक अनलॉक का बटन आप देख पा रहे हो, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। और डैशबोर्ड पे व्हाइट पार्ट है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, और यहाँ पे ट्राई एरोसिव डिजाइन दिया गया है, बहुत ही शानदार लगते हैं। और इस बार एसी विंड का जो डिजाइन है दोस्तों, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप कर दिया गया है, जो कि आपको टाटा पंच पेट्रोल और सीएनजी में कुछ स्क्वायर शेप ड्यूल दिया गया था, बीच में हजार लैम्प दिया गया था, लेकिन इस बारी आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप आपको प्रोवाइड किया गया है एसी वेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, साथ में 360 डिग्री कैमरा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टाटा नेक्सॉन की तरह ही,
जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है दोस्तों। सबसे इनोवेटिव चीज टाटा पंच ईवी में आपको यहाँ पे नेक्सॉन की तरह ही फ्लैट बॉटम, टू स्पोक, टिल्टेबल लेदर रैप, ड्यूल टोन लेदर रैप, और जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो दिया गया है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है दोस्तों। और वहीं प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स काफी लार्ज दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और कूल्ड ग्लोव बॉक्स है ये, टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, इल्यूमिनेशन भी है, ए पिलर के दोनों ओर ट्विटर्स की प्लेसमेंट, और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, सेंटर में दिया गया एलईडी कैबिन लाइट जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी खासी है, और इसके अलावा वन टच आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको अभी की नहीं है, यहाँ पे पैसेंजर साइड आप एयरबैग डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं जब आप अकेले सफर कर रहे होंगे, और यहाँ पे दिया गया एसओएस का फंक्शंस, और ऑटो डिमिंग आईआरबीएम प्रोवाइड किया गया दोस्तों, बहुत ही शानदार। इसके अलावा ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है, वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट जो कैबिन है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है, प्रीमियम है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। रियर में आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार स्टाइलिश ग्रैब हैंडल दिया गया है, पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही, जिसको ओपन करते ही 90 डिग्री ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे पेडल लैंप आपको, यहाँ पे पेडल लैंप आपको नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश में डोर लॉक, ट्विटर्स और स्पीकर और बोतल होल्डर दिया गया है, बहुत ही शानदार। जहां तक रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, टू हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो भी हाइट एडजस्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पे लेदर अपोस्टी में, और परफोरेटेड है लेकिन वेंटिलेटेड सीट आपको फ्रंट में ही मिलेंगे, तो आप चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, टाटा पंच ईवी टॉप एंड वेरिएंट में कुछ इस तरह, बहुत ही प्रीमियम लगता है। रियर एसी वेंट आपको नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रियर पैसेंजर्स के लिए कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है दोनों ओर कोट के साथ, लेकिन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं दिया गया है। और सभी पिलर्स पे अब आपको एयरबैग दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6 एयरबैग अवेलेबल कराया गया है स्टैंडर्ड चारों पिलर्स पे। लेगरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार लेगरूम आपको मिल जाता है, बहुत ही डिसेंट है। हेडरूम की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी शानदार अमेजिंग टाटा पंच में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, जिसके लिए विग थम्स अप। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लिख सके। और इसमें पूरी चार्जिंग सॉकेट है, एसेसरीज है इससे रिलेटेड, और देखिए आप यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है लेफ्ट साइड, और जो इसका सीटिंग है वो आपको फ्लैट फोल्ड ही मिलता है दोस्तों, यहाँ पे 60-40 का ऑप्शन नहीं है। और स्पेयर व्हील देख पाते हैं, यहाँ पे स्पेयर व्हील का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है टूल किट। स्पेयर व्हील इसके अंडरनीथ भी नहीं दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। और ये पूरी की पूरी चार्जिंग किट है इससे रिलेटेड, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, और इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके इजीली सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और इसका बोनट खोल के दिखाएंगे आपको, बोनट में क्या क्या चीजें दिए गए हैं, नई नई चीजें आपको दिखाने वाला हूं। और ये रहा इसका कंपार्टमेंट जो है बैटरी कंपार्टमेंट, और यहां पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह सेटअप। और इसके नीचे स्टोरेजेस मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, डॉट ईबी की वेजिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, स्टोरेज मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे कुछ फ्रंक्स दिया गया है लेकिन इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। चलिए, पंच ईवी लॉन्ग रेंज में आपको मिलता है 35 kWh का बैटरी कैपेसिटी और इसकी रेंज है 421 किलोमीटर। और जहां तक पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 120 bhp की पावर एंड 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। देखिए भाई, इसको यहां पे दबाने से आपका यहां पे चार्जिंग पोर्ट खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी ऐसा अंदर से बटन दबा के ही ये खुल जाता है इस तरह। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट ये जो है आपका नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है और जस्ट इसके नीचे छोटा वाला जो है फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। तो कुछ इस तरह आप चार्ज कर सकते हैं इसे। सेफ्टी फीचर्स के रूप में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा पंच ईवी टॉप इन वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।